तो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे वार फिल्म के पूरे 21 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों 2 अक्टूबर को रिलीज हुई ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वार को आज बॉक्स ऑफिस पर हो गए पूरे 3 हफ्ते। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने आज कंप्लीट कर लिए है 21 दिन और फिल्म ने इन 3 हफ्तों में काफी ताबड़तोड़ कमाई की और ये फिल्म 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें वार फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें वार फिल्म को डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने और इस फिल्म का एक्चुअल बजट था लगभग 150 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों तक मैं खुद आपको इस फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए बता रहा था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए इसलिए कम हुआ क्योंकि फिल्म में ऋतिक रोशन सर ने फीस नहीं ली। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में काम करने के लिए एक भी रुपया नहीं लिया। अब इस फिल्म के प्रॉफिट में जो भी शेयरिंग होगी उसमें से कुछ हिस्सा ऋतिक रोशन को मिलने वाला है। तो दोस्तों फिल्म का एक्चुअल बजट सिर्फ 150 करोड़ रुपए ही बताया जा रहा है। तो दोस्तों 150 करोड़ के बजट में बनी वार फिल्म ने अपने पहले दिन 53 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए थे, वो भी तीनों भाषाओं में। जी हाँ दोस्तों, वार फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी 3 भाषाओं में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने अपने पहले दिन जहां 53 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए थे, वही फिल्म ने अपने वीकेंड यानी शुरुआती 5 दिनों में 166 यानी 166 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ते के कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी शुरुआती 9 दिनों में 238 करोड़ रुपए कमा लिए थे। वही बात करें दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की तो फिल्म ने दूसरे हफ्ते में लगभग 51 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। वही दोस्तों आप बात करें तीसरे हफ्ते के टोटल कलेक्शन की तो फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 17वें दिन कमाए 3 करोड़ 10 लाख रुपए, 18वें दिन कमाए 4 करोड़ 50 लाख रुपए, 19वें दिन कमाए लगभग 6 करोड़ रुपए, वही 20वें दिन फिल्म का कलेक्शन आया 2 करोड़ रुपए। और बात करें 21वें दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों ये फिल्म 21वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों वार फिल्म का जो शुरुआती 21 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है वो हो चुका है 306 करोड़ रुपए। वही बात करें इंडिया ग्रोस कलेक्शन की तो फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन 362 करोड़ रुपए हो चुका है। वही फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में अभी तक 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसी के साथ दोस्तों वार फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन बनता है वो हो चुका है 452 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है डबल ब्लॉकबस्टर हिट। अब देखना है दोस्तों वार ने जितना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है क्या इस रिकॉर्ड को इस साल कोई फिल्म तोड़ पाती है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस साल 2 ऐसी फिल्में हैं जो वार के कलेक्शन को चैलेंज कर सकती है। पहली तो है दिवाली पर रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4, वही दूसरी फिल्म है क्रिसमस पर रिलीज होने वाली सलमान खान की फिल्म दबंग 3। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या वार फिल्म का दबंग 3 और हाउसफुल 4 रिकॉर्ड तोड़ पाने में कामयाब रहेगी या नहीं? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और डेली बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।